भारत ने पाकिस्तान की आंखें जो गिलगित पाकिस्तान के दर्जे को बदलने के बजाय फौरी तौर पर करे इस इलाके की खाली। इस पर अब थोड़ी जम्मू कश्मीर से मारे गए 200 कोलम मते आतंकवादी आख्या डीजीपी दिलबाग सिंह होरे आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की किता जा करता है और तेज। अस्पताल की योजना 1,15,00,000 मनुख दिहाड़े का रोजगार ते हर बरे 800 करोड़ रुपए की आमदन करवा हासिल। जमीन संबंधी नवे कानून जम्मू कश्मीर की 90% को मती जमीन की बाहर लोगों के देने को हासिल करा सुरक्षा आख्या रोहित कंसल। नमस्कार, डोगरी खबर सुनदा स्वागत है। मैं अमानु शर्मा ते खबर तफसील करने। भारत ने पाकिस्तान के गैर कानूनी ते जबरन कब्जे आले भारतीय इलाके जो पाकिस्तान आसिया कीती जा रही आली भूगोलिक तब्दीली दे जतने की मजबूती ने रद्द कर दिते। भारत ने गल परतिये दोहराई है जे कथित गिलगित पाकिस्तान समेत जम्मू कश्मीर ते लद्दाख भारतीय गणराज्य च 1947 च स्थायी तौर उपर इलहाक करिए कानूनी तौर उपर पूरी चाली भारत दा अंतरूप हिस्सा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आसिया अज गिलगित च तथा कथित गिलगित पाकिस्तान की ब्रिटिश सरकार आसिया प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने संबंधी कीती गई टिप्पणी उपर मीडिया आसिया पुछे गए सवाल दे परते च भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव होरें आख्या जे गैर कानूनी तौर उपर जबरन कब्जा है भारतीय इलाके पर उनके आसिया की कार्य जताने का भलिया कोई मतलब नहीं है। उन्हें आख्या जे इन्हें भारतीय खेतरें की स्थिति च कोई तब्दीली चाहे बिजट पाकिस्तान अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाके की तुरंत खाली कर देना लोचता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और एक बारी परतीय पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए आख्या जो पाकिस्तान नजायज तरीके करने के लिए बालिस्तान पर अपना दावा कसा करता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गलबात करते हुए उन्हें आख्या जो दिन दूर नहीं है जदों गिलगित बालिस्तान समेत पीओके भी साड़ा उगते उठे भी तिरंगा फहराग पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो हमारे देश का तिरंगा झंडा वहां लहराएगा क्योंकि वो हिंदुस्तान है वो भारत देश का क्षेत्र है। हमने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो हमला हुआ था उसकी सारी साजिश सरफुला ने की थी। 48 घंटे के अंदर अंदर हमारी सेना हमारी पुलिस ने सरफुला का काम तमाम करके अपनी ताकत का परिचय दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इस बड़े सुरक्षा बल के आतंकवादी बहिष्कार हुए टाकरे जो 200 को मते आतंकवादी मारे जा चुके दिन ते आने वाले दिनों जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की और तेज किया जाए। एक गल पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह होने कल श्रीनगर च खूंखार आतंकवादी मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्ला के एक टाकरे च मारे जाने के बाद श्रीनगर च प्रेस कॉन्फ्रेंस च बोलते हुए दसी। डायरेक्टर जनरल होने भी आख्या जो सैफुल्ला के मारे जाने बाद हिजबुल मुजाहिदीन संगठन पिछड़ नेता दे हुई है जिया की रियाज नायकू के मारे जाने बाद हुआ है। ऑपरेशन पर पिछले साल भी जारी रखा गया था और इस साल भी जारी रखा गया और जारी रहेगा बल्कि और ज्यादा शिद्दत से इसको आगे चलाया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से सिद्धि टारगेट्स को चूज करके सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तान की एजेंसी के इशारे पर या पर उनको मारा जा रहा है उसमें पाकिस्तान के सीधे रूप में और उसके जो ब्रिटिश आउटफिट यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हिंदू बनाए के साथ मिलकर के जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के जिला उप प्रधान गुलाम कादिर उपर 6 अक्टूबर की नुनवरनादर पर थार हमला करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी के उदित अब साथी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में शब्बीर शाह नादाईक आतंकवादी मारा गया जिले की पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ शहीद हुई है। गांधरबल के एस एस पी के बोस वालों ने दसिया जो जांच दौरान अस्पताल से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले कैंसर अहमद शेख करी मामला सुलझे। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मेंबर है उदित अब साथी चाहे एक स्किम्स च एटीएम गार्ड है जिले के दुआ एस एम एच एस प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एस एस पी और ए भी आख्या जो वो एक मोबाइल ऐप सोशल मीडिया रहा एक युवक करने संपर्क करिए उसी आतंकवाद की पद अपनाने लिए आखा करता है। पुलिस ने गिरफ्तार और न्यायालय के कब्जे थमा 2 पिस्तौल मैगजीन एमिनिशन डिटोनेटर से पाकिस्तानी झंडा भी बरामद किया।
पूंछ जिले के तरहान इलाके में कल शाम पाकिस्तान की तरफ से कब्जा लाए दोपहरा की थी गोलीबारी कारण दमकले मकान की आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी फौज ने कल बदले के फिर शामिल दो बारी संघर्ष विराम के खिलाफ वर्षी करते हुए पूंछ जिले के कब्जा लाए कोल बसर के कस्बा किडनी शाहपुर के दरहान इलाके पर बुजुर्ग पड़कावे ने गोलीबारी की। भारतीय सेना की तरफा भी यदा बरोबर जवाब दिता गया। पाकिस्तानी रेंज ने कल अंतर्राष्ट्रीय बन्ने पर ईरानगर सेक्टर सीज फायर की उल्लंघना करते हुए सिविल इलाके की अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान आसिया की गई भारी फायरिंग करी लोहड़ी चक चंगा मनियारी जंतर मंत्र लोगों में दहशत फैली गई जिन्हें की अपनी जान बचाने उत्थुआ नसना पाया। भारी फायरिंग करी किश घरे के नुकसान पूछने के कन्नों करनी कई पशु भी घायल हो गए। पुंछ जिले के कस्बा लाइन दोबारा पाकिस्तान की तरफा अक्सर बजट पड़कावे की गोलीबारी की जाती है जिसके कारण निकाबारी स्कूल भी लपेट जाए चुके हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हासिल कराने के लिए सरकार आसिया स्कूलें जो कटनाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि गोलीबारी कारण बच्चे सुरक्षित भी रहते उन्हें स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़े। वसी बनकर यहाँ तामीर कर दिया गया है। अब जब भी कभी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है तो मेरे बच्चों को स्कूल के बच्चों को स्टाफ को ये मौत तो होगा कि हमारे पास एक जान बचाने के लिए ठिकाना मौजूद है वो इसमें जाके अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे मोदी सरकार जदों दी सत्ता च आई दी है जम्मू कश्मीर के विकास सापे सबने शब्द पहला असर है। केंद्रीय मंत्री होरें गल कल मानसर झील ईजी मैदान ते ने व्यापक तौर पर उत्ते लई विकास दी योजना ताईं इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हुए आखी। उन्हें आख्या जे मानसर की परतीय जीवादान देने करी इस खेतर च 1.15 करोड़ दिहाड़ियां दा काम पैदा होग ते इहदे नाल हर वरे 800 करोड़ रुपए की आमदन होग। डॉक्टर सिंह होरें चेता नवाया जे पिछले 6 वर्ष दौरान अनेक परियोजना आरंभ की गई जिनके बारे कदे सोचा भी नहीं। सरकार ने पहले दी जम्मू कश्मीर रियासत दे जिमी सरबंधी पराने नकारा आपस विरोधी ते बेकार हो चुके थे 11 कानून की खत्म कर दिते। इनकी थार नवे प्रगतिशील ते लोक हिताले सरिश्ते लागू किए गए। जमीन संबंधी नवे कानून न छे जम्मू कश्मीर की 90% कोला मती जमीन की बारले रुखती दिते जाने कोला सुरक्षा हासिल करांगन सगुआ राय बाई क्षेत्र का पुनर्गठन करने तेजी करने उद्योगीकरण आर्थिक विकास च मदद करने ते रोजगार पैदा करने च भी मददगार साबित होंगे। ये जानकारी सूचना महकमे के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ते सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल होरे अज जम्मू च पत्रकार सम्मेलन दौरान दिती। कंसल होरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन 5th Order 2020 बारे पत्रकारी कन्ने गलबात करते हुए ये जानकारी दिती। उन्हें आख्या कि जिमी सरबंधी नवे कानून आधुनिक ते प्रगतिशील ते बाहर दे लोके ही जमीन देने कोला सुरक्षा हासिल कराने वाले न। उन्हें भी दस्या जे नवे कानून च नेका सुरक्षा सरिस्ते किते गए न। भारत
कोरोना वायरस के 45,293 नवे मामले एक दिन चाहे जिसके कारण कुल मामले 82,93,13 हो गए हैं। इनके चार 75,44,798 लोग ठीक भी हो गए थे। महामारी करी एक दिन 496 मौतें हुई हैं, जिन्हें किलाई उम्र न्याने की गिनती 122,607 पहुंच गई है। देश में इसलिए कोरोना वायरस के 5,62,908 सक्रिय मामले हैं। वाईजी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो पिछले 24 घंटे के दौरान 385 नवे कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए। इनमें 134 जम्मू प्रांत के 249 कश्मीर प्रांत के। इन्हें मिलाई कुल मामले 95,710 हुए हैं। इनमें जो 6,080 सक्रिय मामले चले की 88,140 लोग ठीक हो चुके थे। प्रदेश में महामारी करी अजे थोड़ी 1,490 मौत हुई है। कोविड टेस्ट करने के मामले च मुल्क ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटे तकरीबन 8,56,000 कोविड सैंपल टेस्ट करने करने उन्हें तोड़े टेस्ट किए गए थे। कोविड सैंपल की गिनती 11,07,43,000 को बात हुई गई है। केंद्र सरकार के भारतीय मेडिकल खोज काउंसिल यानी ICMR ने बड़े व्यवस्थित तरीके करने टेस्ट करने का ढांचा कायम किया है। भारत के टेस्ट की समर्थ तैयारी पिछले 15,00,000 तोड़ी पहुंची गई है। उन्हें सूलत सबने लोग तोड़ी पहुंचाई गई है। इस बारे जनवरी में नए टेस्ट कराने तक काम पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की लेबोरेटरी थमा शुरू हुआ है, जड़ा की 2037 लेबोरेटरी तोड़ी पहुंची गई है। इनके 132 सरकारी 305 निजी लेबोरेटरी शामिल है। जम्मू च 4 नवंबर की करवा चौथ का त्यौहार होने करी महिलाएं च खासा उत्साह ते खुशी दबा करती है। इस दिन महिला अपने पति की लंबी उम्र आस्ते व्रत रखती है। करवा चौथ का पर्व त्यौहारा भलिया कोल होने करी बाजारे थारे ने दिल में बड़ा मजा रश दिखने की दबा करता है। महिला मार्केट च मेहंदी लवादियां ते श्रृंगार के समान ते जैसा वस्तुआं खरीदियां लबा करती है। महिलाएं का आखना है जे पूरा बड़ा हो इस दिन का इंतजार करदियां रोंदियां। तुआई के दुकानदार का आखना है जे शुरू शुरू चिंगा लगदा है जे कोरोना वायरस करी महिला घर च बाहर नहीं निकलन पर हुण बाजारे च खासा रश है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता और इस गल्ला पर जोर दिया है जे रोशनी स्कीम के रद्द किए जाने के गैर कानूनी तौर पर जमीने पर कब्जे वाले समय सीमा अंदर मुक्त कराने बारे ऐलान उसके लिए भ्रष्ट सरकार खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसिया की गई सर्जिकल स्ट्राइक है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश की जिमी की मिट्टी के पापे चिता है। केंद्र शासित प्रदेश की जिमी के मालिकाना गैर कानूनी तौर पर काबिज होने वाले की गैर संवैधानिक रोशनी स्कीम के तहत मुंतकिल करने की जम्मू कश्मीर चैंड जिहाद आली भट्टी साजिश दसते हुए उन्हें दोष लाया जो पिछली रियासती सरकार प्रशासन दौरान आबादी के तवाजन च तब्दीली आने वाली एक सोची समझी साजिश है। तो यह गल भलिया खरी चाली की गई और जिस दौरान साफ तौर पर परतक हुई गई है जो इस साजिश की किसी सरकार कारकुन ने पार्टी कार्यकर्ता ने अंजाम दिता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की पूरी आबादी की भलाई लिए व्यापक सेहत बीमा स्कीम लोगों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। रियासी जिले च अक्तूबर महीने की 20 तरीक धोड़ी तकरीबन 80,000 लोगों ने स्कीम का लाभ लेने के लिए अपने नाम दर्ज कराए। रियासी के जिला विकास कमिश्नर भगवत चिब्बर ने दसिया जे हर परिवार की 5,00,000 रुपए धोड़ी का सेहत बीमा लाभ हासिल कराने वाली स्कीम लिए नाम दर्ज कराने का काम सांझे सेवा केंद्र पर पहले के शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए लोगों च बड़ा उत्साह भी दिखने की कृपा करता है। हम लोग विलेज लेवल वो इंगेज करके कम्युनिटी अपना हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंगेज करके हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और जैसा आपने ऑब्जर्व किया हमारी आशा वर्कर्स की आर्मी आशा कोऑर्डिनेटर्स ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर्स और हमारे बाकी जितना हेल्थ का महकमा है उसके साथ हमने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह होरें अज इल्जाम लाया जो सरकार ग्रामीण सुरक्षा कमेटियां दे 1,032 सदस्यों की उजरत देने च आनाकानी करा करती है। इन्हें सदस्यों की तकरीबन 2 दहाके पहले दूर दरेड़े ते पिछड़े इलाके च आतंकवादियों का मुकाबला करने लिए तैनात किया गया है। जम्मू च अज एक पत्रकार सम्मेलन की संबोधित करते हुए सिंह होरें इस मामले की हल करने लिए केंद्रीय गृह मंत्री ते लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें की दखल देने का आग्रह किया।
पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने जोर पाया कि ग्रामीण सुरक्षा कमेटी के सदस्य उभर काम करते हैं जड़ा की एस पी ओ करते हैं, इसलिए उन्हें की उनके बराबर की उजरत दी जाने नोट गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी आसिया जम्मू के बठिंडी इलाके के अज फारूक अब्दुल्ला के घर का घेराव से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन पिछले दिन फारूक अब्दुल्ला आसिया दिए गए बयान खिलाफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। इस मौके फारूक अब्दुल्ला खिलाफ नारेबाजी भी की। उधमपुर आले इलाके च दर्जन भर कोला मते ग्राएं की आजादी थ्होने परैंत हुन कुतै सही तौरा पर सड़क संपर्क की सहूलत हासिल होआ करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के अधिकारी चिट्टी थमां कपलेरी आले 6.85 लंबे रोड पर रुक पाने का काम शुरू कर दिता है। यह सड़क बनी जाने करने दर्जन कोला मते लोगों की एदा लाभ हासिल होगा। करने की खबर था बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।